नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, स्पॉटलाइट कार्यक्रम में हमेशा हम कुछ ऐसी खास पर्सनालिटी से आपको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ही खास मुकाम हासिल कर रखा है। और आज भी एक ऐसी खास शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है जिनका नाम है अतुल भारद्वाज जी। आपको मैं बताना चाहती हूं कि अतुल जी पेशे से एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं, साथ ही साथ करियर काउंसलर कोच भी वो हैं। जब बच्चों को अपनी पढ़ाई में मुश्किलात आती है, एग्जामिनेशन हॉल में जब ब्लैकआउट हो जाते हैं बच्चे, तब वहाँ पर अतुल जी का काम शुरू हो जाता है बच्चों को काउंसलिंग देने का, बच्चों को समझाने का कि कैसे इस मुश्किलात घड़ी से उनको पार पाना है। तो आज का ये जो खास कार्यक्रम है बच्चों के लिए है, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी है। तो स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को आज का ये प्रोग्राम बहुत ही गौर से देखना है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें अतुल जी से आज हम जानेंगे जो आपके और हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और मिलकर के स्वागत करेंगे अतुल भारद्वाज जी का। नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, बच्चों की जितनी भी मुश्किलात आती है पढ़ाई को लेकर, आप उन मुश्किलात घड़ी में बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं, काउंसलिंग के जरिए आप बच्चों को समझाते हैं कि इस परेशानी से उन्हें पार कैसे पाना है। तो ये जो फील्ड है एजुकेशन का, सर सबसे पहले तो सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब बच्चे बोर्ड एग्जाम में होते हैं, टेंथ में होते हैं या ट्वेल्थ स्ट्रीम में होते हैं, तब एक फोबिया बच्चों के माइंड में सेटअप हो जाता है। बच्चा चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, पढ़ाई में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन एक जो बोर्ड्स एग्जाम का जो एक फोबिया है वो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग पर हावी रहता है। और वो शायद इसीलिए क्योंकि घर में कहा जाता है कि भाई इस साल तुम्हारा बोर्ड है। जहाँ भी बच्चा जाता है, आस पड़ोस में, फ्रेंड्स में, सब जगह बच्चों को ये कहकर प्रेशराइज कहीं ना कहीं हम लोग कर देते हैं कि भाई इस साल तुम्हारा बोर्ड्स है, तुम खेलो मत, तुम मूवी मत जाओ, तुम पार्टी मत करो। तो ये जो फोबिया बच्चों के दिमाग में होता है, इस फोबिया को आप कैसे बच्चों की काउंसलिंग के जरिए दूर करते हैं, सबसे पहले तो आप हमें ये समझाएं। इसमें जैसा कि आपने देखा होगा, पुराने ज़माने में हम देखते थे जैसे फैमिली में एक बच्चा है, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते किसी ने बोल दिया अरे तू तो नालायक है, तू ये कर नहीं पाएगा, तो वो एक बच्चे के माइंड में एक जो है ना ट्रेंड बैठ जाता है और वो ये समझ लेता है कि मैं नालायक हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा, और वो उस दिमाग में ऐसा बिठा लेता है और वो उस काम को करना ही नहीं चाहता। फिर तो उस दिमाग की जो प्रोग्रामिंग है उसके लिए एक NLP है जिसे बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक टेक्नोलॉजी। तो NLP में क्या है, आप जो दिमाग को जो लैंग्वेज समझ आती है, तो उसमें क्या है कि अपने दिमाग को बच्चे को कैसे टैकल करना है, उसे अपने दिमाग को ये सोचना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे ही अगर वो सोचने लग जाएगा, अपने दिमाग को चेंज करने लग जाएगा, तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो पाना चाहता है। तो ये NLP की टेक्निक्स जो आजकल आ गई हैं उसमें कुछ एक छोटी छोटी एक्सरसाइज कराई जाती हैं। अगर उनको कोई फोबिया है, उस फोबिया से, या किसी स्टूडेंट ने सोच लिया कि मेरे को मैथ समझ ही नहीं आ रहा, वो उसने अपने दिमाग में बिठा लिया है, लेकिन अगर वो अपने दिमाग से निकाल देगा और वो सोचेगा कि नहीं मैं मैथ को कर सकता हूँ, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो कुछ फोबिया को निकालने की एक टेक्निक्स होती हैं, उसमें एक छोटी सी बताया जाता है बच्चों को कि जैसे आपके सामने एक TV है, TV पे स्क्रीन चल रही है और उसमें आप अपने आप को देखो, आप ये देखो कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हो, और उसमें देखते देखते आपको ये सोचो कि एकदम ऊपर से जो है ना पानी गिर रहा है, बारिश आ गई है, और वो जो सारा है बारिश गिर गई है स्क्रीन के ऊपर से, जो स्क्रीन के ऊपर है वो सारा चला गया है और स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। तो इस तरीके से इन टेक्निक से दिमाग के अंदर जो पैटर्न्स हैं उनको वॉश आउट किया जा सकता है और दिमाग को इस लेवल पे लाया जा सकता है कि जैसे किसी ने कह दिया कि everything स्टार्ट फ्रॉम दिमाग, अगर आपने जो सोचा वो कर सकते हो। तो इसलिए दिमाग को कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी है, और उसके लिए मैं NLP कोच भी हूँ, तो मैं बच्चों को उस तरह की ट्रेनिंग भी देता हूँ कैसे फोबिया को निकालना है। जैसे बोल दिया कि 10th का बोर्ड है, बस वो बोर्ड के नाम से ही ऐसा डर जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, जबकि 10th तक वो बच्चा अच्छी तरह पढ़ रहा है, 9th तक पढ़ रहा है, 1st-2nd भी आ रहा है, लेकिन सिर्फ वो बोर्ड का फोबिया उसके दिमाग में हर समय ये सोचता रहता है बोर्ड है क्या होगा। बोर्ड कुछ नहीं होता, बोर्ड भी वैसे ही एग्जाम है जो आप तक 9th तक देते आ रहे हैं, बस एक उसको दिमाग को ये सोचना है कि बोर्ड वगैरह कुछ नहीं है और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो मैं बच्चों को, कई बच्चे ऐसे भी आते हैं जो कई बार फेल हो चुके होते हैं, वो उनके दिमाग में बैठ जाता है मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मेरा मानना ये है कि आप सब कुछ कर सकते हो। तो एक छोटा सा एक
डायलॉग में उसमें कहना चाहता हूँ, बच्चों को ये बताता हूँ कि सफीनों को डुबो दे, जो सफीना बोलते हैं जो नदी के अंदर नाव चलती है, कि सफीनों को डुबो दे जो, उसे तूफान कहते हैं, लेकिन जो ना घबराए तूफान से उसे इंसान कहते हैं। तो आप सब कुछ कर सकते हो, बस अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए। जी बहुत अच्छी बात सर आपने बताई। अच्छा ये फोबिया तो चलिए बच्चों का दूर हो जाता है आपकी काउंसलिंग के जरिए, जो बोर्ड 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 बच्चे सुनते रहते हैं आप समझाते हैं, और ये जो टेक्निक आपने बताई है इसके जरिए बोर्ड्स का फोबिया तो बच्चों का दूर हो गया। अब टेंथ पास आउट करने के बाद जो सबसे पहली परेशानी बच्चों की है वो हो जाती है कि हम कौन सा स्ट्रीम चूज करें। हालांकि कई बार ये होता है कि आपके जो है स्कोरिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती है जिस हिसाब से आप अपना स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी 60s में आपके नंबर आए हैं और आप चूज करना चाहते हैं साइंस साइड, तो वहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब इस चीज़ को टैकल करने में आप कैसे हेल्प करते हैं बच्चों की कि भाई तुम्हें जो है ये स्ट्रीम सूट करेगा, तुमको इस स्ट्रीम में जाना चाहिए, या तुम्हें कॉमर्स चाहिए तो तुम ये करो, तुमको ऐसा करना चाहिए, तो ये जो गोल सिलेक्शन है स्ट्रीम का इसको आप कैसे क्लियर करते हैं? इसके लिए जब मैं कम से कम 33 साल हो गए मेरे को एजुकेशन फील्ड में, और मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक इंडिया का बहुत ही प्रीमियर प्रेस्टिजियस कॉलेज है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, और ये 1987 में स्टार्ट हुआ, तो मैं एक फाउंडर मेंबर हूँ। और मेरी इस जर्नी में एजुकेशन फील्ड में रहने के बाद हर साल मेरे पास बच्चे आने लगे, सर अब हम क्या करें, ट्वेल्थ के बाद क्या करें, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें। तो लोगों को इतना फोबिया होता है, समझ ही नहीं आ पाता, वो सेटल ही नहीं कर पाते कि अब हम क्या करें। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी है। जैसे कि देखा जाए टेंथ में अगर आपके 80% मार्क्स आ गए तो स्कूल बोलता है आपको साइंस देंगे, लेकिन अगर 70% मार्क्स आए तो बोलते हैं आपको कॉमर्स देंगे। तो क्या आप सोचते हैं कि 1% मार्क्स से वो बच्चा बेवकूफ़ हो गया या उसकी एबिलिटी कम होगी? तो ये कोर्स सिलेक्शन प्रोसेस है स्कूल्स में, ये प्रॉपर नहीं है। इसके लिए मैं चाहता हूँ स्कूल्स के अंदर कैरियर काउंसलर होने चाहिए जो कि बच्चों की काउंसलिंग करे। अब कैरियर काउंसलिंग में सबसे बड़ी बात है, मैंने जब स्टडी किया तो एक DMIT टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगा, जिसे बोलते हैं डेमोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। ये एक हमारे उंगलियों के निशान से एक रिपोर्ट आती है पूरी, उस रिपोर्ट में ये पता लगता है कि बच्चे के दो दिमाग है, एक राइट है एक लेफ्ट है, एक एनालिटिकल माइंड है एक नॉन एनालिटिकल माइंड है। बच्चा जब पैदा हुआ है वो क्या इनबॉर्न कैपेबिलिटी लेके पैदा हुआ है जो भगवान ने उसे दिया है, बाकी वो आने के बाद पढ़ना चालू करता है सीखना चालू करता है। तो उस रिपोर्ट के हिसाब से ये पता लग जाता है कि बच्चे का दिमाग एनालिटिकल है, मेडिकल में जा सकता है, इंजीनियरिंग में जा सकता है, और अगर नॉन एनालिटिकल है तो वो आर्ट्स में कॉमर्स में या एंटरप्रेन्योरशिप है उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो उन कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से हम उस बच्चे को गाइड करते हैं कि अब आप टेंथ में आप ये सब्जेक्ट लो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिंदुस्तान के अंदर क्या है, जो पेरेंट्स हैं वो जिस फील्ड में होते हैं सबसे पहले वो बच्चे को कहते हैं कि इंजीनियर है तो इंजीनियर बनो, डॉक्टर है तो डॉक्टर बनो। और मैंने ये देखा है 2-3 साल तक बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते रहते हैं, क्रैक नहीं कर पाते, और उसके बाद वो अपने आप को फेलियर महसूस करते हैं। और इतने सुसाइडल केस इंडिया में इसलिए होते हैं, जैसा कि आपने फिल्म देखी 3 इडियट, उसमें उन्होंने यही बताया हुआ है, आप वो करो जो आपका पैशन है, अगर आप दिल से जो आपका पैशन है वो करोगे तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। तो मेरा मानना यही है कि कैरियर काउंसलिंग एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीके से करी जाए बच्चे को, और टाइम पे अगर उसे बता दिया जाए कि तुम्हारा कोर्स सिलेक्शन ये है, तुम्हारा माइंड इस साइड काम करता है, तो वो बच्चा अपने गोल सेट कर सकता है, और उन गोल्स को कैसे अचीव करना है लाइफ में, अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहता है वो अपने टारगेट तक पहुँच सकता है। अच्छा सर, कई बार स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी मुश्किलात आती है कि उसने अपनी एग्जामिनेशन की जो है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी हुई है, सब कुछ उसको बहुत अच्छे से याद है, सब कुछ प्रिपेयर है, लेकिन जब वो बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो एकदम से ब्लैकआउट हो जाता है, घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर बच्चे का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो सर ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है ये स्टूडेंट्स को क्यों आती है, किस लिए आती है? क्योंकि इंटरनली बच्चा पूरी तरह से प्रिपेयर है, उसने बहुत अच्छे से जो है प्रिपरेशन करी है एग्जाम की, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाके वो जो ब्लैकआउट हो जाता है, पूरा घबराहट से पसीना पसीना बच्चा कोई हो जाता है, तो ये इस प्रॉब्लम को आने की वजह क्या है? ये जो सबसे बड़ी वजह है टेंशन, और टेंशन जो है वो दिमाग से स्टार्ट होती है। अगर आपने टेंशन ले ली तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आपने क्या किया। तो इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है
वो है मेडिटेशन। आज के टाइम में लोग डिविनिटी में नहीं जाते, लोग समझते नहीं हैं। मेडिटेशन एक ऐसा उपाय है, कम से कम 15 मिनट सुबह और 15 मिनट रात को सोने से पहले ये मेडिटेशन में हर एक व्यक्ति को जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी एज का हो। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो एक ऐसे शून्य विचार में चले जाते हैं और आपका डायरेक्ट गॉड से कनेक्शन हो जाता है। तो जब आप मेडिटेशन इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दिन भर आप किसी काम में लगे हैं, परेशानी है, ऑफिस में है, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ है, कुछ समझ नहीं आया, टीचर ने डांट दिया, वो सारे पैटर्न दिमाग के अंदर बने रहते हैं और बार बार वही पैटर्न आते रहते हैं। और बच्चा यही विचार करता रहता है कि अच्छा मैंने ये याद किया था, वो मैं भूल ना जाऊँ, कल मेरा एग्ज़ाम है, मैं भूल ना जाऊँ, मैं दोबारा पढ़ूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को जिस दिन एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है, काम रखना है, और उसके लिए मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है जो दिमाग को शांत करेगा। जब आपका दिमाग शांत रहेगा तो आप जो भी चाहो जब सोचोगे तो वो सब कुछ याद आ जाएगा। तो और अगले दिन भी जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन भी सुबह मेडिटेशन करके निकलें और दिमाग में और कुछ चीज़ों का ना लाएं। जब आप मेडिटेशन कर लेंगे आपका माइंड 15 मिनट की मेडिटेशन में ही एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा कि आपके डिस्ट्रैक्शन सारे माइंड से निकल जाएंगे और आप अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे और जो आप चाहते हैं, जितने मार्क्स चाहते हैं वो ला सकेंगे। चलिए सर, ये बात भी जो है बच्चों के माइंड में क्लियर हो गई होगी कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको हमें कैसे फेस करना है, कैसे उसको टैकल करना है। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर अतुल सर ने बहुत अच्छा मैसेज स्टूडेंट्स को भी दिया है और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी दे दिया है कि अपने बच्चों को आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, बच्चों को एक तरह की फ्रीडम आपको देनी चाहिए, आपको बच्चों को फ्री माइंड रखना चाहिए कि बच्चा अपने हिसाब से, अपने मन मर्जी के हिसाब से अपने करियर को चूज कर सके। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि अगर किसी तरह का फोबिया उनको है तो किस तरह से उनको उस मुश्किलात घड़ी से टैकल करना है, बाहर आना है, ये सारी बातें आज आपने बहुत अच्छे से जान ली है। अतुल सर, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम सभी को दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।